हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लर्निंग सेंटर छाया लर्निंग सेंटर पर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कंबशन, ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी आज की रिएक्शन, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन बच्चे, कंबशन के लिए क्या होती है, आपकी किसी भी कंपाउंड को या किसी भी कार्बन को, किसी भी एलिमेंट को क्या करते हो आप, बर्न करते हो। ऑक्सीजन होनी वहां पे जरूरी है, किसके लिए, कंबशन के लिए। तो वहां पे ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगी, वो प्रोसेस कैरी आउट होगी, पूरी प्रोसेस कैरी आउट होगी और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट, ये आपको तीन प्रोडक्ट उसमें फॉर्म होंगे। तो पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जब कार्बन को क्या किया है आपने, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हीट एंड लाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, CH4। CH4 कंबशन किया आपने, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया, क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ और साथ में क्या मिलेगा आपको, हीट एंड लाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, OH, यानी कि एल्कोहल फैमिली है और दो कार्बन है तो ये क्या बन गया आपका, इथेनॉल। कंबशन की है प्लस ऑक्सीजन, फॉर्म क्या हुआ, CO2 प्लस वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये क्या था आपके, कुछ एग्जाम्पल थे किसके, कंबशन रिएक्शन के। तो बच्चे अब तक आपने हाइड्रोकार्बन, आपने दो तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या है आपका, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी कि एल्केन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके एल्कीन और एल्काइन आते हैं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो इनकी बात क्यों की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कंबशन। अब कंबशन के लिए या तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, अच्छी है, ठीक है, गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, या क्या हो सकता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ये दो केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर वहां पे गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसका कलर कैसा होगा, अगर लिमिटेड सप्लाई है उसका कलर किस तरह से होगा। तो बच्चे अगर वहां पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो वहां पे कैसी फ्लेम आपको देखने के लिए मिलेगी, येलो कलर की फ्लेम देखने के लिए मिलेगी। और अगर वहां पे क्या है आपका, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है, अच्छी है, तो वहां पे कैसी फ्लेम देखने के लिए मिलेंगी आपको, ब्लू कलर की फ्लेम आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हमेशा ही कैसे मिलेगी आपको, सूटी फ्लेम मिलेगी। सूटी क्या होती है बच्चे, एक ब्लैक कलर की जो लेयर नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाती है, ये कहाँ देख सकते हो आप, अपने किचन में देख सकते हो। किचन में जो आपके गैस स्टोव होते हैं उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, इनलेट्स होते हैं। इनलेट्स किसके लिए होती है, फॉर द एयर, ठीक है, कि वहां पे जो ऑक्सीजन रिच मिक्सचर है वो किसके साथ हो सके, आपका मिक्स हो सके, और आपको कैसे मिले वहां पे, बर्न कंबशन होने के बाद ब्लू कलर की फ्लेम, क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम वहां पे आप देखने के लिए आपको मिले। अगर आप क्या देखते हो कि आपके जो कुकिंग वेसल्स है जिसमें आप खाना बना रहे हो, नीचे से ब्लैक हो रही है, ठीक है, उनका जो बॉटम है वो ब्लैक हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो एयर होल्स है, आपके जो स्टोव के एयर होल्स है वो क्या है, वो ब्लॉक हो चुके और आपका जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है। अब ये जो फ्यूल है, फ्यूल क्या हो सकता है आपका, कॉल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, तो इनके अंदर क्या होते हैं आपके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द एसिटेन दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो मेनली यहाँ पे आपको कलर पता होना चाहिए कि अगर आपको ब्लू कलर की फ्लेम मिल रही है तो यानी कि आपकी क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रही है, और अगर आपको येलो कलर की सूटी फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम मिल रही है तो क्या है आपकी, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और सूटी किस वजह से है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो आपके बर्तन होते हैं वो नीचे से कैसे हो जाते हैं, बॉटम से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चे, ऑक्सीडेशन नाम से ही क्लियर है, क्या ऐड होने वाली है, ऑक्सीजन ऐड होने वाली है। किस तरह से होगी, चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम यूज करेंगे जब हमने क्या करना है, एल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल, ये आपने लिया एक एल्कोहल, आपने क्या किया इसको, एल्कोहल यानी OH लगा, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में। कैसे करेंगे, इसमें हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के लिए कैटलिस्ट हमने कौन से लिए यहाँ पे, या तो आप एल्कलाइन KMnO4 लेंगे या आप एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट लेंगे। इन दोनों का यूज करके क्या कर सकते हो आप, इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, आप इनको क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन इसमें ऐड कर सकते हो। अब वो सब्सटेंस जो क्या करेंगे,
कैपेबल हैं ऑक्सीजन ऐड करने में, उनको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका रोल भी पूछ सकते हैं आपसे रिएक्शन का, कि एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का रोल क्या है, कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन को एड कर सकते हैं, दे आर कैपेबल टू एड द ऑक्सीजन। तो ये दोनों किस तरह से एक्ट करते हैं, दे आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये मतलब वो रिएक्शन बताओ जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसको, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसका रोल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का रोल क्या है, और एल्कलाइन KMnO4 को आपने क्यों यूज किया, क्या आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, या किस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करना है। अब क्या ऐड करेंगे, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन की जाती है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे कैटलिस्ट की हेल्प से, कौन सा कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट को यूज करके अनसेचुरेटेड यानी डबल बोन्ड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम सिंगल बोन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से, निकल कैटलिस्ट की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन में क्या किया जाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकल एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है आपके कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कन्वर्जन है आपका, क्या अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन आप ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हो, जिसमें आप निकल या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, ये हेल्थ के लिए क्या हैं, काफी हार्मफुल हैं, दे आर वेरी। सो नेक्स्ट देयर इज वन मोर रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसे रिप्लेस किया, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट है। क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या फॉर्म कर दिया, ये देखिए CH3Cl प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो आज हमने टोटल 4 रिएक्शन किए हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड लास्ट हमने की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें आपको मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, आपको पता क्या होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, निकल और प्लेडियम एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, कंबशन रिएक्शन किस तरह से अक्कर हो रही है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अक्कर होती है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, किसके अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो आपने रिएक्शन की थी निकल प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आपको एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल को किस तरह से कन्वर्ट करते हो आप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल ऑयल्स को घी बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।